तुम उसी नबी के जुलूस में तुम्हारी रगों में शैतान दौड़ने लगता है। कितने लड़के हैं, और जुलूस निकालो, यह भी बता रहा हूं, कुछ नाते ऐसे हैं जिनमें म्यूजिक बजता है, जैसे सोड़ा आया पाकिस्तान से, कितने नौजवान लड़कों ने डीजे पर रखा और वो डीजे रख लिए, सोड़ा आया और वो बहुत सारी नाच रहे हैं, डांस, झंडे उछाल रहे हैं, बाद बाद अपनी शर्ट उछाल लेता। तो जुलूस में गया था, गुंडागर्दी करने गया। जुलूस गुलाम नबी करते हैं, लफंगे नहीं। कुछ लड़के हैं जैसे गैर मुस्लिमों का मोहल्ला देखा, उधर का देखा, उल्टे सीधे नारे लगाना शुरू कर दिए, भड़का रहा तू दूसरों को। नबी ने भड़काया नहीं था, नबी ने क्या किया था मालूम है? तू लड़ाई फैला रहा, तू मोटरसाइकिलें तोड़ रहा, गैरों के मोहल्ले में जाकर के गालियां बक रहा, नारे ऐसे लगा रहा है जिससे इस्लाम बदनाम हो रहा। नबी ने क्या कहा था मालूम है? एक बुढ़िया नबी को गालियां दिया करती थी, पेट भर के गाली देती थी, मक्के की सड़ी हुई बुढ़िया थी वो। औरतें कहने लगी, ओ बुढ़िया तुम क्यों इतना बुरा भला कहती हो? कहा, देख नहीं रहे हो कितने ईमान ले आए? औरों से कहती थी, तुम भी मोहम्मद का चेहरा मत देखियो। एक औरत ने कहा, अगर तुमने देख लिया ना तो तुम भी कलमा पढ़ लोगी। बुढ़िया बोली, मैं रहूंगी नहीं, अब मक्के में ही नहीं रहूंगी। बुढ़िया ने रात में बांध ली पुटलिया तगड़ी, और उठा के देखा तो उठी नहीं। बुढ़िया कमजोर, माल ज्यादा था, अब उठी नहीं तो सुबह सुबह दरवाजे पे खड़ी हो गई। अरे यार वो पानी है, मेरी तरफ देखो ना, तुम तो ऐसे होठ फेर रहे हो। वो बुढ़िया दरवाजे पे सुबह सुबह खड़ी हो गई कि कोई आए और मेरा ये बोझ उठा दे। देखा तो एक चांद से चेहरे वाला आ रहा, काली जुल्फों वाला आ रहा, उसने आका को देखा नहीं था, वही आका आ रहे हैं। देख के कहने लगी, बेटा तुम मक्के में रहते हो? कहा, जी माई मक्के में रहता हूं। लड़ गए क्या पानी पे? अच्छा तवज्जो रखो बेटा, तवज्जो। कहा, बेटा इतने अच्छे लोग भी मक्के में रहते हैं, तुम कहां रहते थे? तुम ऐसे हो तो तुम्हारी मां कैसी होगी, तुम्हारा बाप कैसा होगा? अल्लाह, बेटा बातें मत करो बेटा, आराम से। कहा, तुम्हारा बाप कैसा होगा? कहा, माई काम बताओ। कहा, बेटा मेरा वो बोझ है वो उठवा दोगे? नबी बोले, मैं तो आए इसीलिए हूं। गए और जाकर के देखा तो वो जब बोझ उठाया तो वजन तो बहुत था, मगर नबी के सामने क्या हैसियत, नबी ने उठा लिया। और बुढ़िया को देखा, बुढ़िया कमजोर। कहा, माई अगर रख दिया तो बचोगी नहीं, सर पर रख दिया पिचक जाओगी। कहा, माई सुनो, अगर इजाजत हो तो मैं अपने सर पे रख लूं, तुम कमजोर हो बोझ ज्यादा, जहां कहोगी वहां छोड़ के आ जाऊंगा। कहा, बेटा रख ले। और रखने के बाद कहा, बेटा इतने अच्छे मक्के में लोग हैं, इतने शरीफ, और एक वो मोहम्मद नाम का मेरे आका को गाली देना शुरू कर दी। मेरे नबी ने बोझ रख लिया, एड्रेस जो बताया, आगे आगे चलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और बुढ़िया पीछे पीछे गाली देती जा रही है, नबी को खूब कोस रही है, गालियां दे रही है, और कह रही है, बेटा तू जानता है मोहम्मद को? तू भी मत मिलिए, सुना अगर जो मिल लेता है ना वो कलमा पढ़ लेता है, बड़े लोग ईमान ले आए। मेरे नबी गाली सुनते जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। वहां पर पहुंच गए जहां पर पता बताया था, तो मेरे नबी ने बोझ उतारा रख दिया। कहा, माई लो, अब मैं चल रहा हूं। बुढ़िया बोली, नहीं, मक्के की रहने वाली हूं, बेटा मैं तुझे मजदूरी दूंगी, ऐसे जाने नहीं दूंगी। कहा, माई मजदूरी नहीं लेता। जब इतना कहा, उस बुढ़िया को क्या पता था, ओ बुढ़िया किससे बातें कर रही हो, अरे मजदूरी किसे दे रही हो, दुनिया तो खाती इन्हीं के नाम का सदका है, अरे सब कुछ इन्हीं के सदके में तो है, सब कुछ इन्हीं के सदके में बना है। अब बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटा, अच्छा जा तो
तो रहा है, लेकिन जाते जाते एक बात बता दे, बेटा तेरा नाम क्या है? नाम बता दे। जब मक्के के लोग मक्के की बुराई करेंगे तो मैं तेरी मिसाल पेश कर दूंगी, मैं तेरा नाम बता दूंगी। तेरा नाम बता करके मक्के की खूबसूरती में चार चांद लगा दूंगी। नबी ने सोचा पोल खुल जाएगी। नबी ने कहा नहीं बूढ़ी माँ, नाम का क्या करोगी, काम हो गया मुझे जाने दे। कहा बेटा अगर जिंदा रही और तेरी माँ हुई तो तेरे माँ के कदम एक मर्तबा जरूर चूमूंगी। बेटा तू ऐसा है तो तुझे जन्म देने वाली तेरी माँ कैसी होगी? मेरे लाल नाम बता दे। मेरे नबी कह रहा नहीं माई, तो फिर कहा बेटा ऐसे जाने नहीं दूंगी, पहले नाम बताना पड़ेगा। ओ लोगों सुनो, एक दूसरे को गाली देने वालों, झगड़ा फैलाने वालों, फिर अपने आप को नबी का गुलाम बताने वालों, तुमने नबी की जिंदगी कहां देखी है अभी? मेरे नबी ने फरमाया ओ माई, अरे जिस मोहम्मद को तुम वहां से यहां तक गाली देती हुई चली आई हो, वो मोहम्मद कोई और नहीं, मैं ही मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हूं। जब इतना कहा तो बूढ़ी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी बेटा जो मैंने कानों सुना था वो गलत था, कान खोल के सुन ले बेटा, अगर तू ही मोहम्मद है तो मैं कहती हूं जब फिर तू ही तो पैगंबर है। बेटा बाद में जाना, पहले अपनी बूढ़ी माँ को कलमा पढ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मजहबे इस्लाम, अजमते मदीना शरीफ। सुबहान अल्लाह माशाल्लाह। कहां हैं हम लोग? वो दूसरे मोहल्लों में जाकर के किसी की चिड़का अगर पता चल जाए ना, चिड़का, और गांवों में चिड़ भी ऐसी बना लेते, किसी को कह रहे धनिया, किसी को कह दे टमाटर, किसी को कह दिया गोभी, ऐसी चिड़, पता नहीं क्या तरीका अपनाया हम लोगों। नबी की जिंदगी के चंद गोशे अगर इजाजत हो तो उठा के रखूं, थके तो नहीं हो, इम्तिहान ले लूं, जोश में और होश में दोनों हो, थके तो नहीं हो, सुनना चाह रहे हो, तो फिर हाथ उठाओ देखूं कौन कौन सुनना नहीं चाह रहा। अच्छा मुझे पता चल गया ढकिया के लोग कितने होश में रहते हैं, इतने बड़े होश में हो तुम? अल्लाह के बंदो सोच तो लो। एक मौलाना साहब कह रहे थे मतलब ये पता नहीं है कहां सुभान अल्लाह कहना, कहां हाथ उठाना, कहां नहीं। एक मौलाना साहब बोले फुला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, नीचे से एक भाई बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह के बंदो ये तो देखो कि सुभान अल्लाह कहां कहना, मगर ये भी हमने ही तुम्हें सेल्फ स्टार्ट किया, मौलाना लोगों ने, शायरों ने, नाजिमों ने, वो भी सब मौलाना नहीं है समझे, कि ये वाला हाथ उठाओ, ये वाला हाथ उठाओ, ये वाला, तो तुम सेल्फ स्टार्ट हो गए हो, थोड़ा सा इशारा मिले कड़ाक से, हाथ इसलिए उठवाते हैं ताकि ये हाथ गवाह हो जाए, हाथ हश्र के मैदान में गवाही दे मौला अच्छे काम के लिए हमें इस्तेमाल किया था। अच्छा माशाल्लाह बरकत फरमाए। बच्चा बताना है, बोला काट दिया ना तागा मैंने। कोई बात नहीं, अच्छी बात है यार, अब देखो कितना अच्छा लगा। अभी तो बातें लोगों तक पहुंची नहीं, कितने लोग हैं यार। अब नबी की जिंदगी का एक बाप रखूं थोड़ा सा, सुनना चाह रहे हो, सीरत पे आ जाऊं यार। आज हम लोगों के दिल में इतना मैल, हसद, कीना, बगावत, ईद को मिल रहे, ईद आती है ना, ईद ऐसे मिलता जैसे सरकारी बकरे मिल रहे हैं, खूब मिलेगा, खूब मिलेगा ईद, और दिल निरा काला है, दिल निरा काला, बस खाली सीने ही मिल लिया, दिल नहीं मिल लिया, ये इतना काला, अल्लाह माफ फरमा, अल्लाह माफ फरमा। अब नमाजें काम क्यों नहीं आ रही बताऊं? हाँ नमाज भी पढ़ रहा है मगर दिल फिर भी काला। अगर उठक बैठक करोगे तो फिर मैं भी उठ जाऊंगा, नमाज भी पढ़ रहा है मगर दिल काला। आलम यह है, अगर किसी भाई का ना मकान बन रहा है तो बस
पड़ोसी के पेट में आग लग रही है, उसका मकान ही क्यों बन रहा, क्या हुआ क्या हुआ? बैठ बैठ बैठ। मगर ये दिल जो साफ करोगे ना, अगर ये दिल अच्छा करोगे तो इसकी अहमियत अलग है। क्या मामला क्या है? कहीं नहीं कहीं नहीं। अरे कहां जा रहे, बैठते क्यों नहीं, बैठो। देखो तवज्जो रखो, इधर बैठो, इधर नानी साहब बोलो भाई, बैठो भाई। अरे बैठिए, चोर पकड़ लिया, चोर भी है। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। ए भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो। अरे कोई बात नहीं, आप लोग बैठिए। बैठे रहो भैया, आपको चलो बैठो, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। ए भाई बैठो। अरे क्यों जा रहे हो यार, बैठो यहीं, बैठो बैठो, सब लोग बैठे रहना। अरे अगर चोर पकड़ भी लिया तो तुम क्या बंटवारा करने जा रहे हो क्या? टाइम क्या हुआ? मुझे लग रहा हो गया काम, एक घंटा हो गया हजरत, तकरीब एक घंटा हो गया। हाँ 12 बजे अपना काम तो हो गया, काम तो हो गया, और दस पंद्रह मिनट बोल गया। तो ऐसे में तो यार मूवी नहीं बन रहा है, बैठे हैं जितने बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं ना। अरे जो गए वो गए, शैतान बलगलाता है लोगों को। कितने लोग सुनेंगे हजरत की तकरीर? आप लोग जाएंगे तो नहीं? बिल्कुल पक्का वादा कर रहे हैं, सच्ची बात कर रहे हैं। जो गए उन्हें मत देखिएगा, लौट के आएंगे, आप नबी की बात सुनिएगा, हजरत सुनाएंगे। अरे हम कमजोर आदमी का फोटो लेके लो तो तगड़ा हमारे भाई। चलो बैठ जाओ, जो लोग इधर आदर खड़े हैं वो आकर के बैठ जाएं, फौरन बैठ जाएं। ये कमेटी वाले कहां, कमेटी वाले, कमेटी वाले दो चार जाकर के इनको बिठा लो, उठा के लाओ। हुआ क्या है पता तो चले। अरे हुआ क्या, खबर भी तो दो। कुछ ना हुआ बोले हजरत, कुछ नहीं हुआ, जा कर रहे हो फिर? खत्म कर दो। हाँ सही है, 10 मिनट बोल लो, 10 मिनट बोल। चलो दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम सलातो व सलाम अलैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आका अलैहि सलातु वसलाम इस दुनिया पर जो तशरीफ लाए, उनके तशरीफ लाने का जो असल मकसद था वो ये था कि अल्लाह तबारक व ताला के बंदों को जिंदगी गुजारने का ढंग आ जाए। वाह। आका 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त पैदा हुए। आका की शान यह है, मेरे आका की वालदा हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा खुद फरमाती हैं कि जब मैं छोटी सी थी अपने बाप के घर में, तो हमारा मकान भी पथरीला इलाका था, पत्थरों का मकान था, और कभी कभी नंगे पैर चला करती थी तो पांवों में वो पत्थर चुभते थे, हर एक के चुभते हैं, तकलीफ इतनी होती थी कि पकड़ के बैठ जाती थी। कहा मैं जवान हो गई फिर भी यही रहा, फिर मेरा रिश्ता हजरत अब्दुल्ला से हो गया, शादी हो गई, हजरत अब्दुल्ला के घर चली गई। जिस रात में हजरत अब्दुल्ला के सुलबे पाक से मेरे शिकमे पाक में आका का, हुजूर का जो नूर
अपनी माँ के पेट में गया, रहम में गया, तो हजरते आमना खुद फरमाती हैं उस दिन के बाद मैं जब भी नंगे पांव चला करती थी और अगर कोई पत्थर का टुकड़ा या कोई कांटा अगर मेरे पांव के नीचे आता था तो वो चुभता नहीं था बल्कि मोम बन जाया करता। बेशक सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं मैं गदा तू बादशाह, क्या बात, भर दे प्याला नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। हजरत आमना फरमाती और फरमाती हैं कि एक मरतबा उस वक्त औरतें जो थी कुएं से पानी भरती थी तो इनका भी एक कुआं था जहां पे मर्द नहीं जाते थे, औरतें जाती थी। मेरे नबी की मां भी गई, पेट में आका थे, कुएं से पानी भरना था, औरतों की बारी थी, यके बाद दीगर औरतें भरती चली जा रही हैं, पानी भरती चली जा रही हैं। मेरे नबी की मां की जब बारी आई तो दिल में ख्याल आया ए आमिना एक मर्तबा कुएं के अंदर झांक के देख ले, कहीं ऐसा तो नहीं है वो पानी नीचे चला गया हो और तुम्हारी रस्सी छोटी पड़ जाए, वहां तक बर्तन ना पहुंचे। हजरते आमना फरमाती हैं मेरे पेट में नूरे मुहम्मदी थे, मेरा मेरे प्यारे बेटे का नूर था। फरमाती हैं जब मैंने उसमें झांका तो एक आवाज आ जाती है, ओ कुएं के पानी किस्मत पे नाज कर ले, ये पैगंबर इस्लाम आखिरी नबी उनकी माँ है, ये नबियों के नबी उनकी माँ है, ये उस नबी की माँ है जिस नबी के सदके में कायनात का जर्रा जर्रा बना है, उस नबी की माँ का दीदार कर ले। जब इतना कहा तो कुएं का पानी बाहर निकला और हजरत आमना के सारे बर्तनों को वो पानी भर गया। ये उस वक्त की बातें हैं, नबी अभी दुनिया पे तशरीफ नहीं लाए। अब 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक का वक्त होता है, आका दुनिया पे तशरीफ ले आते हैं। हजरत अब्दुल्ला मेरे नबी के बाप इंतकाल फरमा गए थे जब नबी पेट में थे, तभी आपके दादा को फिक्र रहती थी कि मेरी बहू के यहां बेटा हो जाए ताकि अब्दुल्ला की नस्ल चल जाए। उन्हें क्या पता था कि ये ऐसा चराग होगा कि पूरी दुनिया को रोशन कर देगा। और बहू इतनी शानदार थी, अपने ससुर से कभी कोई चीज तलब नहीं, शिकायत नहीं, यहां तक के तारीख में आता है कि जिस रात आका पैदा हुए थे उस रात में हजरत आमना के पास इतने पैसे नहीं थे कि तेल खरीद करके चराग में डाल लें। अल्लाह अल्लाह, नबी जब पैदा हुए आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को जब पता चला, खाने काबा में थे, वो दौड़ते हुए आए, कहा बेटी बहू आमना मुझे पता चला है क्या अब्दुल्ला की निशानी हुई है, बेटा हुआ है। कहा बजान ऐसे ही हुआ है। तो फिर दादा बोले बेटी बहू आमना मेरा दिल तड़प रहा है, अगर इजाजत हो तो अंदर आ जाऊं। हजरत आमना ने कपड़े उपड़े संभाले जो भी तरीका था और कहा बजान आ जाइए, मेरे नबी पे कपड़ा ढका हुआ है, आका पे कपड़ा ढका हुआ है, लेकिन कपड़े के अंदर से रोशनी छन छन के इतनी निकल रही है कि कमरे को पूरे रोशन किए हुए है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब देखा और देखने के बाद कमरा रोशन था तो फिर सोचने लगे चराग किधर जल रहा, इधर देखे, इधर देखे, ऊपर देखे, नीचे देखे, चराग कहां जल रहा है, मगर चराग कहीं नहीं है। इतने में मेरे नबी ने पांव हिला दिया, जब पांव का अंगूठा कपड़े से हिला तो रोशनी फैल जाती है, रोशनी फैली तभी समझ जाते, कहा बेटी बहू आमना मुझे मेरे लाल को दिखा दे, देखने को तबीयत
चाह रही है, मैं देख तो लूं मेरा पोता मेरी तरह है या अपने बाप की तरह है, आमना बताओ किसकी तरह है। अगर मेरे नबी की कोई मिसाल हो तो आमना मिसाल दे, मेरे नबी तो बेमिसाल थे। कहा अब्बा जान लो हजरत आमना धीरे धीरे खोलती जा रही है और रोशनी बढ़ती जा रही है, कपड़ा हटाती जा रही है, रोशनी बढ़ती जा रही है। दादा ने सीने से लगाया और लगाने के बाद कहा बेटी बहू आमना अगर इजाजत हो तो मैं इसे लेकर के जाऊं। वो लोग जो मीलाद पर फतवा लगाते हैं, वो लोग जो मीलाद को गलत बताते हैं, मीलाद को गलत बताते हैं, तो उनसे कहना नबी के दुनिया पे आने के बाद सबसे पहले जिसने मीलाद पढ़ा, जिसने मीलाद कहा, उस पे जाके फतवा लगाओ और जहन्नम में चले जाओ। कहा कौन है वो सबसे पहले नबी का मीलाद किसने पढ़ा, ये भी सुन लो। नबी के दुनिया पर तशरीफ लाने पर, हजरत दुनिया के तशरीफ लाने पर, अल्लाह अल्लाह मेरे नबी गोद में है दादा की। अब दादा चलते चले जा रहे हैं, कहीं और नहीं गए, सीधे खाना काबा के पास जाते हैं। जैसे ही खाना काबा पर गए, जितने बुत थे थर थरा करके गिर जाते हैं। मेरे नबी के दादा ने जब एक कदम खाना काबा के अंदर रखा और एक कदम बाहर है खाना के